क्या आप भी इस बात से परेशान हैं कि हस्बैंड से रिलेशन बनाने के बाद स्पर्म जो है वो बॉडी के अंदर चला गया है कि नहीं, या ऐसी कौन सी निशानी है जिससे ये पता चले कि प्रेगनेंसी हो गई है या नहीं। सो दिस इज़ मी डॉक्टर इदा अहमद हेयर, वेलकम टू माई चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगी 5 ऐसी निशानियों के बारे में बताऊँगी जिससे ये अंदाज़ा लगाना बहुत आसान है कि जो वो हस्बैंड से रिलेशन के बाद जो है वो स्पर्म यूट्रस में चला गया है और प्रेगनेंसी जो है वो कितना पॉसिबल है। और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और जो मेरे चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाजमी लाइक एंड शेयर कीजिएगा। सबसे पहले आप लोगों का ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हस्बैंड से रिलेशन के फ़ौरन बाद अगर स्पर्म जो है वो अंदर चला गया है तो फौरी तौर पर जो है वो प्रेगनेंसी नहीं होती है। हाँ, उसके कुछ अलामात लाजमी जो है ना वो ज़ाहिर हो रहे होते हैं। सबसे पहले ये है कि हस्बैंड से रिलेशन के बाद जो है ना अगर फौरी तौर पर प्रेगनेंसी नहीं होती है बल्कि जो है वो कुछ सीमन होते हैं और जो है ना उसमें स्पर्म होते हैं। सीमन में क्या होता है कि स्पर्म होते हैं, स्पर्म जो है ना वो यूट्रस के अंदर चला जाता है तो ये सीमन जो है ना वो बाहर की तरफ आ जाते हैं। सीमन में जो है वो जो भी एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वो बाहर निकल जाता है जबकि स्पर्म जो है ना वो यूट्रस की तरफ चला जाता है। 1 वीक के बाद जो है ना आपको कुछ ऐसे अलामात, 1 हफ्ते के बाद या फिर 10 दिन के बाद जो है ना कुछ ऐसे अलामात आपकी बॉडी में शो होते हैं जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकती हैं कि प्रेगनेंसी जो है वो हो गई है कि नहीं। ऐसा क्यों होता है कि जब स्पर्म जो है वो बॉडी में इंटर होते हैं, यानी कि एक मेल हार्मोन जब बॉडी में इंटर होता है तो आपके जो हार्मोन हैं वो खुद इंक्रीज़ हो जाते हैं और इस वजह से फिर बॉडी में चेंजिंग आने लगती है। लास्ट पॉइंट को बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा, उससे पहले आपने मुझे ये बताना है कि आप अगर हमल ठहराना चाहती हैं तो आप जो हैं वो कौन से प्रीनेटल्स विटामिंस इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि सप्लीमेंट्स कौन सा यूज़ कर रही हैं प्रेगनेंसी को ठहराने के लिए। जब यूटरस से जब आपके फैलोपियन ट्यूब से जब एग जो है वो रिलीज़ होता है और जब यूट्रस पे जाकर जुड़ता है तो इससे क्या होता है कि आपके पेट में जो है ना दर्द की शिकायत आपको आती है। ये एक पहला जो है ना वो साइन है, सिम्टम्स है कि जो है ना अगर यूट्रस जब जुड़ने लगता है, यूट्रस में जुड़ने लगता है एग, तो फिर आपको दर्द की शिकायत होती है, आपको स्लाइटली सा जो है ना वो स्पॉटिंग भी हो सकती है। तो ये जो है ना इसके पहले साइंस हैं, साइंस और सिम्टम्स हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि जो है ना हमल ठहर गया है। दूसरा जो है वो आपके पेट में दर्द रहेगा। तीसरा जो है ना सीमन, यानी कि मैंने आपको बताया कि जो सीमन में स्पर्म होते हैं वो अंदर चले जाते हैं और सीमन जो है ना वो बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आप जो है वो आपका हमल जो है ना वो ठहर गया है। तीसरा जो है ना कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपके जो है ना प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जब इंक्रीज़ होते हैं, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, एसएचजी हार्मोन जब इंक्रीज़ होने लगता है तो आपके जो है ना बॉडी में ख़ास किस्म की चेंजिंग आती है, वो है ब्रेस्ट टेंडरनेस, यानी कि छाती में जो है ना तनाव महसूस होता है, सख्ती महसूस होती है, चुभन महसूस होता है, जिससे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि हमल जो है ना वो ठहर गया है। चौथा जो है वो है थकावट, नोज़िया यानी कि मतली, उल्टी, इसकी शिकायत आपको रहेगी, जिससे ये भी जो है ना एक मेजर साइन है। चौथा जो है ना कि जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है यूरिन का बार बार आना, यानी कि पेशाब का बार बार लगना, क्योंकि जब स्पर्म बॉडी के अंदर आता है और जब फर्टिलाइजेशन होती है, इम्प्लांटेशन होती है, तो यूरिन जो यूट्रस होता है उसका साइज़ जो है ना वो बढ़ जाता है, जिसके जो प्रेशर होता है वो हमारे ब्लैडर के ऊपर आता है, तो इसलिए यूरिनेशन की जो चांसेस है वो बढ़ जाती हैं। इसलिए ये भी एक मेजर पॉइंट है, इस पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो ठहर गई है। लास्ट पॉइंट ये है कि जो आपका जो है ना पीरियड्स का मिस होना, अगर आपके पीरियड्स जो हैं वो मिस हो गए हैं तो ये भी एक निशानी है आपकी जो प्रेगनेंसी है वो ठहर गई है। और वो ख़वातीन जो प्रेगनेंसी जो है वो हमल जो है वो नहीं ठहराना चाहती हैं तो अपने बच्चों में वफ़ा चाहती हैं, उसके लिए आपको जो है ना आपने ये करना है कि आपके स्क्रीन पर लिंक्स शो हो रहे हैं वीडियोस के, आपने उसे देखना है अच्छे से और फिर समझना है, उसमें कोई भी क्वेरी हो तो फिर आपने मुझे वहाँ पर पूछना है। सही, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।